बॉबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो मैं बहुत थक गया हूँ। एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। छोड़ो चाय को, इधर बैठो। यार वैसे मैं तंग आ गया, रोज रोज गाड़ी खराब हो जाती है, अभी वर्कशॉप पे छोड़ कर आया हूँ। आप इतनी गैस भी लग गई। क्या हो रहा है? मैं अपने लिए लाए थे भाई। दाने दाने पर ना खाने और पीने वाले का नाम लिखा होता है परी, तुम देख ही रहे क्या हालात हो रहे हैं। जाना, ये जो तुम्हारी बाबर की हमदर्दी है ना, ये एक दिन हम सबको ले डूबेगी। अब मुझे एक और प्लेट मंगवानी पड़ेगी बैदी से। बैदी, बैदी मेरे लिए एक और फ्रूट की प्लेट ले आओ। खाओ ना बाबर। मैं ना सोच रही हूँ तुम नई गाड़ी क्यों नहीं ले लेते, तो हर दिन खराब होती रहती है। यार मशवरा तुम्हारा अच्छा है, लेकिन तुम मेरे हालात भी तो जानती हो। मेरे पास अभी पैसे नहीं है नई गाड़ी लेने की। उजाला बीबी, आपको क्या लगता है गाड़ियां फलों की तरह दरख्तों पे उगती हैं? हाँ, उनकी कीमत ना हम जैसे महरूम और गरीब गुरबा ही जानते हैं। तो बाबर तुम अपनी खाला से पैसे ले लो। हाँ क्यों नहीं, खाला जान दादी जान की तरह खानदानी रईस जो है ना। परी मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं बाबर से बात कर रही। नहीं नहीं बोल लेने दो, आज पहली बार अकल की बात कर रही है। देखा मेरी जहानत का तुम सब फायदा उठाते हो, लेकिन मानता कोई भी नहीं है। और ये बैदी की बच्ची कहाँ रह गई? बैदी मेरे फ्रूट्स, लगता है खुद ही जाना पड़ेगा। एक तो दे दो। खाओ ना। वैसे उजाला भी तंगी है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पैसे जमा करूं, खूब मेहनत करूं और तुम्हारे लिए नई गाड़ी लूं। बाबर मैं अपने लिए नहीं कह रही थी, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी ये बात। मेरा भी दिल करता है कि तुम इशारा करो और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूं। अच्छा तो फिर फ्रूट्स खाओ ना।